character in the film. So the main character is Kong, and I'm playing the sister of Mr. Aryan Bell. And I hope कि आपको ये character बहुत पसंद आने वाला है. Character बहुत simple है film में, लेकिन उसके दूसरा जो पहलू है वो आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि वो एक bold character है. Essential है जो आप लोगों ने गानों में देखा है, जो title track है किसने की. And character बहुत अच्छा है, film बहुत अच्छी है, गाने बहुत अच्छे हैं. कल रिलीज हो रही है, फाइनली आज हम प्रीमियर कर रहे हैं. आई होप कि आप सभी बहुत पसंद करें, अप्रिशिएट करें. और बाकी सब तो आई थिंक हम लोग इंडिया के ऑडियंस को छोड़ दें कि वो एग्जैक्टली पसंद करेंगे या नहीं. और राइट नाउ आई एम जस्ट फिंगर क्रॉस्ड. जी एक्चुअली मैंने बहुत सारे वीडियो एल्बम्स किए हैं. आई स्टार्टेड माय करियर एज एन एक्टर. आई हैव डन सो मेनी प्रिंट्स और द बिग बिग ब्रांड्स. बट अगर आप कैमरा प्रेजेंटेशन की बात करें, या फिल्म की बात करें, या फीचर फिल्म की बात करें, तो ये मेरी पहली फिल्म है. एंड आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द इंडियन ऑडियंस कि वो मेरे इस काम को सपोर्ट करें. कृष्णगी मीन्स प्यास या किसी भी चीज़ को पाने की जो ख्वाहिश होती है. और इस फिल्म में हर एक कैरेक्टर की अपनी एक ख्वाहिश, अपनी इच्छा नज़र आ रही है. तो सबकी अपनी अपनी कृष्णगी है और सबने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है. काफ़ी सपोर्ट भी मिला है हमारे को आर्टिस्ट का साथ में. सो लेट्स सी कि अच्छा ही हो और पसंद आए. बस सर, एक बहुत ऑनेस्ट फिल्म है, हमने बहुत ईमानदारी से बनाई है. उम्मीद करेंगे कि जो एंटरटेनिंग फिल्म है इसको लोग आकर देखें और इसे सराहें. सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्यन भाई सीनियर ऑफिसर बने हुए और सीनियर है भी हमसे. हम लोगों ने काम किया है, मेहनत किया है. अच्छा लगा कि सबसे पहले तो भाई के साथ हमने काम किया और बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने. कि मतलब एक किरदार को निभाने की जो क्षमता है वो इनसे काफ़ी मुझे सीखने मिला. बहुत अच्छा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको डेब्यू कर रहे हैं. बहुत अच्छी एक्टिंग की है और एक परफॉर्मेंस उनकी बहुत ग्रिपिंग है. तो उम्मीद करता हूँ कि वो जिस तरह का रिकग्निशन डिजर्व करते हैं उन्हें मिल जाए. बहुत अच्छी लगी, बहुत एंटरटेनिंग है, सब कुछ है उसमें. एक अब्बास मस्तान के स्टाइल की फिल्म है, अब्बास मस्तान के फ्लेवर की फिल्म है. तो गॉड विलिंग देखें. थैंक यू, थैंक यू. जी आप सब लोग देख रहे हैं हमारी फिल्म, इंजॉय कर रहे हैं और मुझे पता है और उम्मीद भी है कि जो ऑडियंस भी है ऐसे ही इंजॉय और मज़ा करेंगे हमारी फिल्म देख के. और लोगों को अच्छा लगेगा और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं. कैसे अरे कैश जी, तो एक सबसे पहली बात ये है कि जब स्क्रिप्ट हमारे हाथ में आए तो हमने जैन सर, जैन घोष सर जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनसे मिला. उन्होंने कहा आप अपने हिसाब से आर्टिस्ट सिलेक्शन करिए, आप डायरेक्टर हैं. तो मैंने अपने लेवल से किया तो कैश हमारे टच में तो पहले से ही थे. फिर हम लोगों ने ऑडिशन लिया, सब कुछ किया, फिर धीरे धीरे चीज़ें रिहर्सल वगैरह चालू हुआ, फिर फिल्म हमारी शूट हुई. तो इन्होंने मतलब तो जो मेरी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है. सब लोगों ने किया है, बड़ा मज़ा आया. जी जी बहुत, सबसे पहले तो मैं समीर सर को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. मेरे लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया और काफ़ी मेहनत करना पड़ा सर मुझे. मैंने डॉक्टरों से मैंने सलाह ली कि साइको जब अपने अंदर, जब साइको जब चढ़ता है अंदर तो फिर उसकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं. और फिर इन्होंने मुझे एक्चुअली मना कर दिया था कि तुम फिल्में मत देखना, नहीं तो ऐसा ना हो कि कुछ कॉपी हो जाए. फिर मैंने नेट से कुछ ढूंढ के निकाला, कुछ बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ी मुझे सर. एक छोटी सी कोशिश की है मैंने और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को बहुत पसंद आने वाला है. बाकी बहुत खुश भी हूँ और अंदर से बहुत डरा भी हुआ हूँ कि कल फिल्म रिलीज़ होने वाली है, उसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है. ओवरऑल जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत 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 प्यार मिलने वाला है लोगों का. और जैसे उन लोगों ने गाने को पसंद किया, ट्रेलर को पसंद किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फिल्म को भी वो लोग उतना ही प्यार देंगे जितना उन्होंने गाने को और ट्रेलर को दिया. थैंक यू, थैंक यू सो मच.